जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार इस नए कंटेंट में। दोस्तों, कहा गया है कि जो जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। जी हां, आज हम लोग बात करने वाले हैं करोड़ों युवाओं के मार्गदर्शक श्री स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, और स्वयं स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व ही ऐसा है। जैसे एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद नाव से, पोर्ट से वो अमेरिका जा रहे थे, तो नाविक से उन्होंने पूछा कि नाविक, तुम्हारा पेपर जो है रखे हो, अगर इजाजत है तो मैं इसे पढ़ लूं। नाविक ने कहा कि ठीक है, पढ़ लो। और वो पेपर पढ़ने लगे। 5 से 10 मिनट में स्वामी विवेकानंद पेपर को पढ़ लिए और फिर उनके दोस्त जो है उस पेपर को पढ़ने लगे, और अचानक पढ़ते पढ़ते पेपर जो है वो समुद्र में जा गिरा। अब जो नाविक था उसको बहुत ही गुस्सा आया। वो कहने लगा कि अब मैं क्या, कैसे पढ़ूंगा पेपर। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरा पेपर जो है सुना देता हूं तुम्हें, सुन लो। तो वो तो पहले बहुत ही चौंका, फिर कहा कि ठीक है सुनाओ। और स्वामी विवेकानंद जो है रास्ते भर जो है उस पेपर में छपी हुई बातों को सुनाते हुए अमेरिका पहुंचे। और वो नाविक जब वहां उतरा और फिर वो पेपर लेकर के जब मिलाया, तो हूबहू लाइन से जो है सारी बातें, पेपर में छपी हुई सारी बातें स्वामी विवेकानंद ने उसको सुनाया था। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्वामी विवेकानंद किसी भी कार्य को करते हैं। तो हम सभी युवाओं को स्वामी विवेकानंद से इस एकाग्रचित वाली भावना को समझना चाहिए। जय हिंद।